खबर हांडिया प्रयागराज से उत्तराव थाना क्षेत्र के मंडोर गांव में इकलौते बेटे को कुछ लोगों ने तालाब पर ले जाकर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। मंडोर गांव निवासी बिटोला देवी पासी ने बताया कि गांव के कुछ लोगों से पुराने रंजिश है। वे लोग शाम को मेरे घर आए और मेरे इकलौते बेटे रोहित को घुमाने की बात कर तालाब पर ले गए, जहाँ उसे चाकू से गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना की जानकारी घर वालों को हुई तो पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवक को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि युवक की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी की तलाश की जा रही है।